क्या आपकी आवाज अच्छी है, क्या आपको भी कई सारे लोग ये कहते हैं कि यार तेरी ना आवाज बड़ी अच्छी है, तू इसको लेके कुछ क्यों नहीं करता। क्या आपको भी अपनी आवाज के बलबूते पर टीवी, फिल्म या रेडियो इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है, पर ये नहीं पता कि कैसे बनाओ और कहाँ पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है वनराज और इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में। वॉइस ओवर आर्टिस्ट जनरली स्पीकिंग रेडियो में, टीवी में, फिल्म इंडस्ट्री में या फिर इवन इंटरनेट पर जो भी सारी आप एडवर्टीजमेंट सुनते हैं उनके पीछे जो आवाज होती है वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की होती है। एंड देयर नॉट जस्ट लिमिटेड टू दैट, आजकल तो आप जो भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर वीडियोस देखते हैं उनमें उनकी आवाज रहती है, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह आप अगर नेट जियो पे देखते हैं उनमें उनकी आवाज होती है। उसके अलावा कई सारी ऑडियो बुक्स जो हम ऑडिबल पे सुनते हैं या फिर कुकू एफएम पर सुनते हैं उनमें भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की आवाज होती है। लेकिन अब मुद्दे की बात तो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं या नहीं। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्या आपकी डिक्शन, क्या आपके पॉजेस, क्या आपकी वोकैबुलरी वो कितनी स्ट्रांग है। अब देखिए, वॉइस ओवर आर्टिस्ट जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश में ही होता है, जरूरी नहीं कि वो हिंदी में ही होता है। अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज लेट्स से गुजराती है तो आप एक गुजराती वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैज नथिंग टू डू विद द लैंग्वेज, लेकिन जिस लैंग्वेज में आप वॉइस ओवर कर रहे हैं उसकी समझ कितनी है आपको। जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो क्या उसका प्रोनंसिएशन बहुत ही बारीक है, क्या वो एक कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग वॉइस ओवर्स में हम लोग ये बहुत देखते हैं कि अगर हमारी कोई एड वगैरह रहती है जो गांव को सेंट्रिक करके होती है तो गांव में जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि जिस तरह से बात करते हैं, लैंग्वेज सेम है पर उसका जो डायलेक्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है, तो क्या आप उस लैंग्वेज के अलग अलग डायलेक्ट समझते हैं, क्या आपको उस लैंग्वेज के पॉजेस समझ आते हैं। एंड डरिए मत, अगर आपको ये सारी चीजें शायद नहीं भी पता तो आप आराम से इसे सीख भी सकते हैं, पर अब सवाल ये है कि कैसे। तो भाई उस सवाल का जवाब ये है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए आपको आपके नजदीकी रेडियो स्टेशन के धक्के खाने होंगे। कई बार ज्यादातर इन न्यूज चैनल्स एंड रेडियो में उन लोग के छोटे छोटे कोर्सेज रहते हैं जो शायद 2-3 महीने के रहते हैं, उसमें आपको वॉइस ओवर को लेकर ग्रूमिंग अच्छी मिलती है। और मैं आपको ये क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह ये है कि वॉइस ओवर किताबों से नहीं सीखा जा सकता। मतलब ऐसी कोई बुक नहीं है जो मैं आपको रेकमेंड करूं कि यार वॉइस ओवर के लिए ये पढ़ लेना और अगर आपको ये सब याद रह गया तो वॉइस ओवर आपको आता है, ऐसा नहीं होता। वॉइस ओवर ना क्या होता है, वो प्रैक्टिस से होता है। जैसे संगीत है उसका रियाज जरूरी है, वैसे वॉइस ओवर के लिए ग्रूमिंग जरूरी है। वॉइस ओवर की बहुत बारीक समझ आपको ग्रूमिंग से मिलती है। क्या होता है, आपको वॉइस ओवर की स्क्रिप्ट्स दी जाएगी, आप जब उन्हें पढ़ेंगे, आप वॉइस ओवर खुद करने की कोशिश करेंगे, आप बहुत सारी गलतियां करेंगे और वो गलतियां बहुत जरूरी होती है क्योंकि उन्हीं गलतियों से सीख कर आप आगे बेहतर बनते हैं। कई बार अच्छे अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात हो सकती है, कई बार जो सीनियर वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहते हैं वो आपको ग्रूम भी कर सकते हैं। तो ऐसे किसी कोर्स को ज्वाइन करना ये आपके लिए सबसे जरूरी है ताकि आपको वॉइस ओवर का थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाए। अब जब आपको ये मिल जाए, जब आपको लगे कि नहीं अब मैं थोड़ा सा तैयार हूँ, तो आप कोशिश कर सकते हैं किसी रेडियो स्टेशन पे इंटर्नशिप करके या फिर किसी न्यूज चैनल में इंटर्नशिप करके उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिए कि आपके वॉइस ओवर्स कितने ज़्यादा एक्सेप्टेड है, कितनी ज़्यादा क्रेडिबल है, कितनी ज़्यादा कंपनीज उसे सिलेक्ट करती है। और ये चीज़ें मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं शायद आपको बोल सकता था कि आप अपवर्क या ऐसी कोई वेबसाइट्स पे चले जाए, वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी पर उसे एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है जो बहुत ज़रूरी होता है एक क्रिएटिव पर्सन के लिए। तो सबसे पहले आपके नज़दीक में कहीं पर थोड़ा सा काम कर लीजिए, उसके बाद तो देन स्काई इज द लिमिट, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आजकल तो वॉइस ओवर में इतना हो सकता है कि उसकी कोई हद नहीं है। जैसे आप चाहे तो आप इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपने सैम्पल्स रख सकते हैं और वहाँ से कंपनीज आपको ढूंढती हुई आएगी और उनके साथ आप अपने रेट्स डिस्कस करके वहाँ पे फ्रीलांसिंग में घर बैठे बैठे आप भारत के शायद किसी भी कोने में हो वहाँ पे गांव में भी बैठकर आप आराम से वॉइस ओवर का काम कर सकते हैं। आपको बस एक माइक वगैरह थोड़ा सा सेटअप करना होगा। वंस यू डू दैट यू कैन वर्क लाइक दैट। और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो आप कर सकते हैं
वॉइस ओवर आप स्टूडियोज में भी अपने सैंपल दे सकते हैं। स्टूडियोज वगैरह में जनरली स्पीकिंग लोकल काम ज़्यादा वहाँ पर रहता है, तो आप स्टूडियोज में भी अपने सैंपल दे सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको काम मिल सकता है। रेडियो में आप एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कई सारे रेडियो स्टेशन आजकल तो उन्हें हायर भी करते हैं, तो आपको एक पेड जॉब भी मिल सकती है एक रेडियो स्टेशन में या फिर एक न्यूज़ चैनल में। तो वॉइस ओवर इंडस्ट्री में काम बहुत सारा है, लेकिन ये काम है ना, ये स्किल का काम है, तो स्किल तो निखारनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको वो कहते हैं ना कि कीचड़ में तो जाओगे तो ही कमल निकलेगा। तो इतना सब जो मैंने आपको वॉइस ओवर रिलेटेड ज्ञान बांटा है, तो आप में से शायद किसी किसी को ऐसा लग भी रहा होगा कि तुझे क्यों सुने एंड हाउ आर यू क्रेडिबल टू गिव सच इन्फॉर्मेशन, तुझे क्या पता। मुझे इसलिए पता है मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने 2.5 साल रेड एफ एम में एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम किया है। एंड नॉट जस्ट रेड एफ एम के अलावा भी मैंने बहुत से स्टूडियोज में काम किया है। एंड नॉट टू बोस्ट माई सेल्फ, लेकिन सिर्फ बताने के लिए शेयर कर रहा हूँ कि मैंने पैन इंडिया मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट में 1800 से ज़्यादा कंपनीज के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम किया है। एंड आई वॉज डूइंग वॉइस ओवर फॉर मोर देन 6 cities एक्चुअली। सो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस का निचोड़ है। बहुत इंटर्नशिप में मेरे को रगड़ा गया था, तो वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ, ताकि आप भी एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सके। और हाँ, मैं एक बात बताना तो आपको भूल ही गया कि जब आप वॉइस ओवर के लिए ग्रूमिंग करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वॉइस ओवर में मॉड्यूलेशंस पर काम करें। मॉड्यूलेशन, पॉजेस, डायलेक्ट, प्रोनंसिएशन, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों का जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना विथ योर पावर पैक्ड वॉइस, तो देन यू आर अनस्टॉपेबल माई फ्रेंड। और दूसरी बात, जब आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनते हैं, तो शायद किसी किसी को ऐसा लग रहा होगा कि अगर मैं 25 साल का हूँ तो मैं सिर्फ 25 साल के वॉइसेस कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, आप चाहे तो एक 10 साल के बच्चे का भी आवाज़ निकाल सकते हो, और चाहे तो आप एक 60 साल के बुजुर्ग का भी। वॉइस ओवर आर्टिस्ट की प्रोफाइल रेंज काफ़ी बड़ी होती है, और जितनी वो प्रोफाइल रेंज होती है उतने आप वर्सटाइल काम कर सकते हैं, उतने आपको काम और मिल सकते हैं। ये चीज़ें आप वॉइस ओवर ग्रूमिंग में बहुत अच्छे से सीखेंगे, एंड आई एम श्योर आप एक अच्छा सा वॉइस ओवर आर्टिस्ट जरूर बनेंगे। एंड जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस एंड आइडिया कि वॉइस ओवर का जो सैम्पल होता है, जो हम स्टूडियोज या ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं, वो एग्जैक्टली होता क्या है, और वॉइस ओवर की एक स्क्रिप्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वॉइस ओवर का जो सैम्पल है वो कुछ इस तरह से होगा। अहमदाबाद की एक ऐसी न्यू ईयर पार्टी जहां एलाइट क्राउड होगा, म्यूजिक लाउड होगा, और जिसका पार्ट बनना आपका प्राउड होगा। अहमदाबाद के वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रैंड बॉलरूम द कैपिटल में होगी एक ग्रैंड न्यू ईयर पार्टी। लाइफ एक कार ही तो है, एक पहिया आप हो, एक आपका लाइफ पार्टनर, एक बच्चे और एक पेरेंट्स, जिसमें है खुशियों का इंजन और प्यार का फ्यूल। इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक वॉइस ओवर की स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर आप एक अच्छा सा वॉइस ओवर आर्टिस्ट जरूर बनेंगे। तो ये तो बात होगी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में, लेकिन अगर आपको इसके अलावा और भी फिल्म मेकिंग के बारे में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप उनमें से हैं जिन्हें इतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे इन सारे वीडियोस का ना क्रक्स निकाल कर उसे रील के फॉर्मेट में अपलोड करता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हर हफ्ते Q&A भी करता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।